हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस एच वन इंडिया। वेलकम टू गुवाहाटी। हम आ गए हैं गुवाहाटी के। अब देखिए आप एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या चीजें हैं। यह है गुवाहाटी एयरपोर्ट और यहाँ पे गुवाहाटी के कल्चर को दिखाया गया है। यहाँ पर बिहू फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जा रहा था जब हम वहाँ पहुँचे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खास त्यौहार है असम का। और बिना किसी भेदभाव के, जाति धर्म को देखे बिना, ये सभी लोग साथ में बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ये साल में 2 बार मनाया जाता है। अगले दिन हम कामाख्या टेम्पल के लिए गए और ये यहाँ का सिद्ध पीठ बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये कामाख्या टेम्पल के बाहर का व्यू है और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। अगर आप गुवाहाटी आए हैं और कामाख्या टेम्पल में आप दर्शन के लिए आए हैं तो आप पूरा एक दिन मानकर चलिए लगने वाला है, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। कामाख्या टेम्पल पे ही पास में है और यहाँ से आप पूरा गुवाहाटी देख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं उमानंद टेम्पल, और ये उमानंद आइलैंड पे है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। यहाँ लोगों ने बताया कि ऐसा माना जाता है अगर आप कामाख्या टेम्पल आए हैं तो उमानंद टेम्पल भी ज़रूर जाएं, यहाँ पे भी दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। ये है उमानंद आइलैंड और ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ भी लोग आते हैं इस आइलैंड को देखने। और ये जो रिवर आप देख रहे हैं ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, उसी के बीच में ये आइलैंड है। आइलैंड तक पहुंचने के लिए आप बोट से भी जा सकते हैं और रोपवे से भी जा सकते हैं।
टेंपल, यहाँ पर भी अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। अगर आप ब्रह्मपुत्र रिवर में क्रूज़ का मज़ा लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रूज़ भी चलते हैं, आप उस पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई टूरिस्ट प्लेस हैं यहाँ पे, जैसे म्यूज़ियम है वहाँ भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे असम का कल्चर आप देख सकते हैं, नई नई चीज़ें। इसके अलावा प्लैनेटोरियम है, वो भी एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। तो ये अलग अलग जगह आप घूम सकते हैं। गुवाहाटी में बहुत सारे टेम्पल्स हैं और बेसिकली इसे सिटी ऑफ द टेम्पल कहा जाता है। हमारे पास टाइम की कमी थी इसलिए हम लोग नहीं जा पाए, और आने वाले वीडियो में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में ले जाएंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।